राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल में कला के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिल रही है। यह कला में गुणों को बेहतर निखार मिल रहा है और अब जरूरत है कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने की, ताकि उनकी कला लोगों तक पहुंचे। आज शिमला में जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय शिमला के वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कला के क्षेत्र में भारत की दुनिया में महारत रही है। जब दुनिया को मालूम नहीं था तब हम कलाओं में माहिर थे। माँ सरस्वती से ही हम कला की शुरुआत मानते हैं और आज भी देश में कला के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में कला व गुणों को निखारने के लिए बहुत बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ललित कला महाविद्यालय में कला पर आधारित लाइब्रेरी को उत्कृष्ट करने के लिए राजभवन से सहयोग किया जाएगा। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ऐसे वार्षिक पुरस्कार वितरण तो हर साल होते हैं, परंतु पिछले कुछ समय में इसका इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सका, संभव भी नहीं था, सबके लिए कठिन था। और आज इस समारोह में आप सब यहाँ आए हैं। इस ललित कला महाविद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर मुझे देखने को मिला, थोड़ी सी झलक मैंने देखी। और यह झलक देखने के बाद पता चला कि यह कला महाविद्यालय यहाँ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षा में योगदान दे रहा है। हर प्रकार की शिक्षा इस देश में पली है, बड़ी हुई है, हर प्रकार की शिक्षा, विज्ञान की हो, कला की हो, तकनीकी हो, सभी प्रकार की शिक्षा इस देश में सदियों से आए, हजारों वर्षों से यहाँ पली है, पनपी है, वृद्धिंगत हुई है। और खास कर में कला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अपने देश की पूरे दुनिया में महिरत रही है। पूरे देश को जब पता नहीं था कि संगीत क्या होता था, कला कैसी होती थी, उस समय यहाँ कला का इतना बड़ा आविष्कार हुआ था। हम पुराने समय से अनेक लोगों के नाम यहाँ सुनते हैं, उनसे शिक्षा भी लेते हैं। कला का आविष्कार तो हम माँ सरस्वती से ही मानते हैं और माँ सरस्वती 64 गुणों की वो एक प्रकार से वहाँ विभूति सब वहाँ इकट्ठी हुए हैं, उनका आविष्कार करते हैं 64 गुणों की। ऐसे कलाओं में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में हम नाम रखने वाले, आज भी वैसा ही हमारा एक पालन पोषण कला के आधार पर हो रहा है। संगीत महाविद्यालय, कला महाविद्यालय, यहाँ अपने देश में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां संगीत के समारोह नहीं होते। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, गोवा, गोवा का नाम तो आपने सुना होगा।